एक बहुत ही दुखियारी औरत थी जिसका नाम था गीता। प्रतिदिन वह किसानों के खेत में काम करने जाती थी। एक दिन बीच दोपहरी में वापस लौट रही थी, बहुत थक गई थी। एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उसने सामने देखा कि कुछ सामने दिखाई पड़ रहा है जो पत्तों से ढका हुआ है। उसने पत्ते हटाए और देखा तो शिवलिंग, और उसने मन में विचार किया कि यह तो शिवलिंग है, यहाँ कोई पूजा पाठ करने वाला भी नहीं है, और मैं अब जब भी इधर से आऊँगी तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करके, उनको जल चढ़ा करके, इनकी प्रार्थना करके ही अपने काम पर जाऊंगी। भोलेनाथ बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसने ऐसा मन में निश्चय करके अपने घर आई। दूसरे दिन पुनः जब काम पर गई तो भगवान शिव को जलार्पण किया और उनको प्रणाम किया, निवेदन किया कि हे प्रभु भोलेनाथ, मैं काम पर जा रही हूँ, आप मेरी रक्षा करना। भोलेनाथ तो औढ़रदानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वह अब प्रतिदिन काम पर जाती और उसका नित्य का नियम हो गया कि भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाती, पूजन करती और उनसे प्रणाम करके अपने काम के लिए सहयोग की अपेक्षा करके चली जाती थी। धीरे धीरे किसानी का काम खत्म हो गया तो वह गरीब औरत सोच रही थी कि अब कहाँ काम मिलेगा। उसकी एक सहेली थी मीना। अब वो मीना से बात करने लगी तो उसने कहा कि गांव में ही जमींदार के यहाँ उसकी हवेली बनने वाली है, उसमें काम मिलेगा, तो चलो हम लोग काम का पता लगा करके वहाँ पर काम करेंगे। अब दोनों जा करके जब पता लगाई तो उस जमींदार ने कहा कि देखो, हमारे यहाँ काम तो मिलेगा, दिन भर काम करना पड़ेगा, 2 वक्त का भोजन भी मिलेगा और 100 रुपये मजदूरी रोज की मिलेगी। इस हिसाब से बड़ी खुश हुई। उसने सोचा कि मेरा घर तो टूटा फूटा है, छत बिल्कुल टूट गई है, बरसात में पानी टपकता है, इसको मैं मजदूरी कर लूँगी तो अपना छत बनवा लूँगी। ये सोचकर वह सुबह उठी और घर से जल लेकर के भगवान शिव जी के शिवलिंग पर अर्पण किया, साष्टांग दंडवत किया, पूजन किया, फूल चढ़ाया और भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं जा रही हूँ अपने काम पर, तो आप मेरी मदद करना, ये कह के चली गई। अब वो काम पे लग गई। अब धीरे 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 वो 40 दिन तक काम किया। अब 40 दिन तक जब काम किया तो 100 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये हो गई। उसने अपने मन में अब अनुमान लगाया और अपने सहेली को बताया कि 4,000 रुपये तो मजदूरी हो गए और सेठ जी मजदूरी दे देंगे तो हमारा घर का छत बन जाएगा। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद गीता और उसकी सहेली जब उस जमींदार से पैसा मांगी तो गुस्से में भर कर बोला, कैसा पैसा? मैंने तो कहा था कि काम करो, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, भोजन मिलेगा। अब तुके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वो गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी कि आपने कहा था कि 100 रुपये के हिसाब से रोज की मजदूरी, 40 दिन काम किया तो 4,000 होते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे दे दीजिए, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर वह बहुत निर्दयी और कठोर हृदय का आदमी था। जमींदार ने उसे डांट करके उन दोनों को भगा दिया, मजदूरी नहीं दिया। बड़ी दुखी हुई, आँखों में आंसू लिए वो आई, भोलेनाथ के चरणों में गिर गई और रोते हुए घर चली गई। और घर जब गई तो
बड़ी परेशान थी, कितने दिन तक मजदूरी की और मजदूरी भी नहीं मिली और बरसात सामने आने वाली है, मेरा घर तो पूरा पानी से भर जाएगा, छत तो बिल्कुल टपक रही है, टूट फूट गई है, अब बनेगा कैसे। पर उसे माँ की याद आई कि मेरी माँ ने कहा था कि जब कोई सहायता मदद न करे तो भगवान से प्रार्थना करना। उसने मन ही मन भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी विपत्ति को आप ही देखिए और संभालिए, मेरा और कोई नहीं है। दूसरे दिन जब गई तो भोलेनाथ की पूजा करने, पूजा करके उसने जल चढ़ाने के बजाय उसकी आँखों से आंसुओं की धारा टूट पड़ी। अब वो आंसुओं की धारा शिवजी पर पड़ी, अचानक दिव्य प्रकाश हुआ और शिवजी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी मजदूरी अपने आप चल करके तुम्हारे पास आएगी। अब वह भोलेनाथ की बात पर विश्वास करके अपने घर चली गई। इधर जो जमींदार था उसकी एक बेटी थी, उसके बहुत प्यार करता था। उस बेटी ने कहा कि पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे सामान खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं। जमींदार जाकर के अलमारी खोल करके देखता है तो उसके सारे रुपए जो थे वो सब कागज़ के टुकड़ों में बदल गए हैं। उसने माथा पीट लिया, ये क्या हो गया, बड़ा परेशान हुआ, दुखी हो गया। दूसरी अलमारी खोल करके देखा तो जिसमें गहने असरफी मोहर रखे थे उसमें सब सांप ही सांप हो गए। डर के मारे उसकी लड़की चीख पड़ी और वह भी चीख पड़ा, अलमारी बंद कर दी। तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगे भोलेनाथ की तस्वीर पर गई और उनके पास जाकर के वो रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि प्रभु मैं आपकी पूजा करता हूँ, पर मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों हो रहा है। वहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ ने बड़े कड़ाके की आवाज़ करते हुए प्रकट हो गए और उसे डांटा कि तुमने गरीब औरतों से मजदूरी करवा लिया और उनका पैसा नहीं दिया, इस तरह से अन्याय से गरीबों का हक छीनने से तुम्हारा पैसा टिकेगा नहीं, वो इसी तरह पानी में बह जाएगा और बेकार हो जाएगा। अब वो रोने लगा, भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गया कि प्रभु आप आदेश करिए, जो आप कहेंगे वही मैं करूँगा। तब भोलेनाथ ने कहा, उन गरीब औरतों का पैसा ले जाकर उनके पास पहुँचाओ, पहले वचन दो और गांव में लंगर चलाओ कि जो भी गरीब भूखे होंगे, अनाथ होंगे, उन सबको भोजन कराओ, तुम्हारे पैसे जैसे के थे वैसे हो जाएंगे। उसने भोलेनाथ को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं ऐसा ही करूँगा। और तब जा कर के जब अलमारी खोलता है, देखता है तो उसके सारे पैसे, नोट की गड्डियाँ जैसे की थी वैसे भरी पड़ी थी। उसने दोनों मजदूरों जो काम किया था सबका पैसा लेकर के उनके घर गया और उन्हें पैसा देखते हुए क्षमा मांगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब जीवन में ऐसा नहीं करूँगी। गीता दो मजदूरन थी भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आकर के फिर प्रणाम किया, निवेदन किया और कहा, प्रभु आप ही मेरी रक्षा कर रहे हैं और संभाल रहे हैं, मेरे माता पिता गुरु सब कुछ आप ही हैं। और इतना कह करके वह पुनः अपने घर चली गई और अपना काम करने लगी। मित्रों, कहते हैं भोलेनाथ पर जो श्रद्धा पूर्वक एक पुष्प भी चढ़ा दे या एक बार उनका नाम ले ले तो प्रसन्न हो जाते थे। और उसने तो 40 दिन तक पूरा भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण किया था और पूजन किया था। तो ये शिव चर्चा की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य हर हर महादेव लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।